तो गाइस इस समय जो रोमेज का भाईचारा है वो टॉप पे है, वो भी यहाँ पर जिमी उसो के साथ। जिमी उसो का यहाँ पर टी शर्ट देखकर रोमेज का क्या रिएक्शन आता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस एक बार फिर से यहाँ पर 12 साल बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक एक बार फिर से इनके बीच यहाँ पर राइवलरी शुरू होने जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर हर प्रीवियम लाइव इवेंट में केवल 5 ही मैचेस क्यों होता है इसके बारे में ट्रिपल एच ने काफी अच्छे से बताया है। उसके बाद इस बार यहाँ नवंबर में जो क्राउन जुवेल मैच होने वाला है, यहाँ पर रोमेज यहाँ पर फाइट करने वाले है। उसके बाद गाइस यहाँ पर मर्चेंडाइज सेल में ये तीनों भाई इस समय टॉप पर है। शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमेज और जिमी उसो को लेकर। जब जिमी उसो का रिटर्न होता है इस बार के बैड ब्लड में, तो गाइस यहां पर जिमी उसो एक बार फिर से बचाते हैं रोमेज को सोलो सिकोवा से। उसके बाद यहां पर जब रोमेज जैसे ही जिमी उसो का टी शर्ट देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होता है उनका। यहां पर जिमी उसो के टी शर्ट पे लिखा हुआ था कि वी आर नॉट दिस सेम, इसका मतलब है कि हम सभी एक जैसे नहीं है। वैसे गाइस ये पिक जो है ये काफी तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इनका जो भाईचारा वो काफी टॉप पर है। उसके बाद गाइस इस बार के मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पर सेथ रॉलिंस फेस करते हुए दिखाई दिए यहाँ पर सीएम पंक को। यहाँ पर सीएम पंक जो अगले अपोनेंट होने वाले वो यहाँ पर सेथ रॉलिंस होंगे और यहाँ एक बार फिर से यहाँ पर 12 साल बाद इनके बीच एक बार फिर से राइवलरी देखने को मिलने वाली है। हालांकि गाइस यहाँ पर जब सीएम पंक काफी दिनों बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न किए थे तभी इन्होंने यहाँ पर टीज कर दिया था कि वो यहाँ पर फेस करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये पीक है यहाँ पर सेमस को, आप देख सकते हैं कल के मंडे नाइट रॉ पे इनको किस प्रकार के यहाँ पर चोट लगा हुआ था और जो कहते हैं कि यहाँ पर रेसलिंग फेक है या फिर आसान है, देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पर चोटें लगती हैं रेसलिंग में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर ट्रिपल एच को लेकर। ट्रिपल एच ने आखिर बताया इसके बारे में कि वो हर इवेंट में केवल 5 ही मैचेस को क्यों कराते हैं। तो गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच का ऐसा मानना है कि वो हर इवेंट में 5 ही मैचेस को इसलिए कराते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका ट्रेवल का जो कॉस्ट है वो बच जाता है और भी जो रेसलर होते हैं उनको यहाँ पर रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है क्योंकि गाइस हर बार का इवेंट जो होता है वो अलग अलग कंट्री में होता है, शायद इसी वजह से उनको यहाँ पर रेस्ट करने के टाइम नहीं मिलता और उनको यहाँ पर ट्रेवल करने में काफी कॉस्ट जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर ले मॉर्गन को लेकर। ले मॉर्गन का एक ड्रीम मैच भी है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर ले मॉर्गन का कुछ ऐसा मानना है कि इस बार के समर स्लैम यानी 2025 के समर स्लैम में डोमिनिक मिस्टीरियो और यहाँ पर ले मॉर्गन वर्सेस सीएम पंक और एजे ली के बीच एक मैच फाइट करना चाहते हैं। वैसे यहाँ पर एजे ली को यहाँ पर लेकर थोड़ा सा पोटेंशियल ये भी थे कि यहाँ पर इनका रिटर्न होने वाला, शायद से इनका रिटर्न कुछ ही समय में देखने को मिल जाए। तो गाइस इस बार के क्राउन ज्वेल के लिए कुछ ही मैच है जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। पहला तो यहाँ पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन, ये तो मैच ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं जैसे कि यहाँ पर कोडी रोड वर्सेस गुंथर के बीच। उसके बाद नेक्स्ट मैच यहाँ पर ले मॉर्गन वर्सेस नाया जैक के बीच। उसके बाद इस बार के क्राउन ज्वेल में यहाँ पर थर्ड मैच भी देखने को मिल सकता है रोमेज वर्सेस यहाँ पर सोलो सिकोवा के बीच। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ मैच, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, पर आपको देखने को मिल सकता है ब्रॉन ब्रॉकर वर्सेस यहाँ पर गोल्डबर्ग के बीच। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये तीनों रेसलर का ये जो पिक है ये 2016 का है, जहाँ एक तरफ डोमिनिक मिस्टीरियो है और दूसरी तरफ रिया रिपली और तीसरी तरफ यहाँ पर ले मॉर्गन भी है। वैसे आप देख सकते हैं 2016 में ये किस प्रकार के आखिर लग रहे थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट है मर्चेंडाइज सेल को लेकर। आप देख सकते हैं रोमेज इस समय टॉप 1 पे हैं, उसके बाद टॉप 2 पे जी उसो, उसके बाद टॉप 3 पे यहाँ पर जिमी उसो हैं। यहाँ पर रोमेज का जो ओटीसी वाला टी शर्ट था वो काफी तेजी से सेल हुआ, उसके बाद जी उसो का जो ईट वाला यहाँ पर टी शर्ट था वो भी यहाँ पर तेजी से सेल हुआ। उसके बाद यहाँ पर जिमी उसो का यहाँ पर टी शर्ट था वो काफी यहाँ पर तेजी से सेल हुआ, जिसका नाम था वी आर नॉट दी सेम। तो गाइस इस बार के मंडे नाइट रॉ से यहाँ पर कोडी रोड और गुंथर के बीच राइवलरी देखने को मिलने वाली है और ये काफी खतरनाक राइवलरी होगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो और ले मॉर्गन के बीच यहाँ पर जो लेफ्ट ट्रायंगल है वो काफी जल्द यहाँ पर टूटने वाला है। हालांकि गाइस यहाँ पर जो उनका पहले लेफ्ट ट्रायंगल था वो मामे के बीच वहाँ पर तो ऑलरेडी टूट चुका है, अब इनका जो दूसरा लेफ्ट ट्रायंगल है ले मॉर्गन के बीच ये भी टूटने ही वाला है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है जे उसो को लेकर। जे उसो इस बार के यहाँ पर एनएक्सटी पे शो पे यहाँ प्रेजेंट होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस बार के रेसुमेनिया में ये 4 मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच, दूसरा यहाँ पर दी रॉक वर्सेस रोमन रेंज के बीच। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा मैच ये भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, उसके बाद यहाँ पर गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर द मिज और यहाँ पर जिंदर महल के बीच आखिर कौन सबसे बढ़िया चैंपियन था। वेल गाइस उसके बाद आज का लास्ट और फाइनल अपडेट है यहाँ पर ट्रिपल एच और शॉन माइकल को लेकर। वैसे ट्रिपल एच के जो सबसे अच्छे दोस्त है वो शॉन माइकल ही है। यहाँ पर ट्रिपल एच ने उनके बारे में काफी कुछ बताया कि उनकी दोस्ती नंबर 1 पर है। वैसे गाइस यहाँ पर शॉन माइकल इस समय एनएक्सटी के रेसलर को यहाँ पर तैयार करने में लगे हैं, उन्होंने यहाँ पर ट्रिपल एच का काफी मदद भी किया है। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।